हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूं नई वैकेंसी लेकर के। मोस्टली हम लोग देखते हैं बहुत सारा यूथ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त जॉब चाहते हैं पर गलत कंसल्टेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। कितना कितना पैसा एडवांस में दे करके आते हो, 5-5 हजार, 10-10 हजार, और उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है। होता क्या है कि जो कुछ करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, जैसी जॉब चाहते हो वैसी जॉब आपको कंसल्टेंट्स नहीं दिला पाते हैं, और आपकी रेलेवेंसी के साथ मजाक हो जाता है। हम बनना क्या चाहते हैं और बना क्या दिए जाते हैं। इसी तरह से मेरी हमेशा कोशिश भी रहती है कि मैं आप सबके लिए कुछ नया अपडेट लेकर के आऊं, कुछ नई रिसर्च करके आऊं, आपको प्रॉपर तरीके बताऊं अप्लाई करने के। यहां तक कि मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग देखते ही हो, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, डायरेक्ट फोन नंबर्स, डायरेक्ट ईमेल आईडीज दे रखी होती हैं। अगर आपको नहीं पता है इस बारे में तो आप अपना बायोडाटा मेरे टेलीग्राम नंबर 9888330068 पर शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद आपको मेरी तरफ से एक लिंक आएगा, उस लिंक को ज्वाइन करना है। जब आप उस लिंक को ज्वाइन करेंगे तो आपको बेशुमार जॉब्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी जिनमें फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज डायरेक्ट दे रखा होता है। कभी भी किसी भी कंसल्टेंट को एडवांस में कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई मांगता भी है तब भी नहीं देने हैं। और सबसे मेन चीज मैं आपको यहां पर जरूर शेयर करूंगा कि जॉब को जब भी आपने अप्लाई करना है कोशिश कीजिए डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, किसी को बीच में मत लाइए। और कोई आपसे पैसे मांगता है कि मैं आपको नौकरी पर रख लूंगा और मेरे को जॉब, आपको जॉब फाइनल कर देते हैं, तो प्लीज हाथ जोड़कर बेनती है, कोई भी कंपनी आपको जॉब पर रखने के लिए पैसा नहीं लेती है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात है कि जब भी आपकी जॉब लगे मुझे कमेंट में जरूर बता दिया करो। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ और अच्छा करने की, कुछ और नया करने की। इवन दैट कभी भी आपको लगे मैं जो भी आपको जॉब्स के बारे में बताता हूं किसी भी तरह की कोई कमी है, मुझे तब भी जरूर बताया करो। आपके बताने से मैं और उसमें इंप्रूवमेंट कर पाऊं, कुछ ऐसा हो जाए। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं न्यू वैकेंसी। ये वैकेंसी आपको मैं अपनी स्क्रीन पर लिए चलता हूं, ये रही। तो गाइस अब आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा HTC ग्लोबल सर्विसेज में जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। आपके सामने सर्च बार में मैंने जाकर के लिखा HTC ग्लोबल सर्विसेज, आपके सामने बहुत सारे लिंक्स खुल के आ गए। अब आप इधर उधर क्लिक मत कीजिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, पैसे भी खराब हो सकते हैं, फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। बेटर यही है जो लिंक मैं आपको बता रहा हूं उसी पर ही जाकर के हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने ये लिंक आ रहा है, एक करियर अपॉर्चुनिटी जॉब सर्च HTC ग्लोबल सर्विसेज, htcinc.com एक वेबसाइट है, इसी पर ही हम जाकर के क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये करियर का पेज खुल करके आ जाता है। अब इधर क्या है, आपके सामने ये पेज आ गया। आप इसमें ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप सीधा अप्लाई करना चाहते हो जॉब के लिए यहां पर, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज use job search to search and apply for positions in India and other locations or emails your profile careers@htcindia.com। इस पर आप अपना CV शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आती है, सर्च जॉब्स की, देख रहे हैं आप सर्च जॉब्स की। अब यहां पर जाके आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कंपनी का एक और नया पेज खुल करके आ जाता है। अब इसमें बता रहे हैं कि बेंगलोर में जॉब है, चेन्नई में जॉब है, ये अलग अलग आपके सामने जॉब्स आ गई। अब इधर क्या है, मान लेते हैं कि ये जॉब आपको सूटेबल है, मान लेते हैं, ठीक है। रीड मोर पर जाकर के क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारी जॉब का ये खुल करके आ भी गया। अब इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, जब आपको लगे कि ये सूटेबल है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर अप्लाई फॉर जॉब में नेम, ईमेल आईडी या फोन नंबर और अपना CV जो है यहां से उठा करके आपने डाल देना है और सबमिट पर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देना है और सेंड पर जाकर के क्लिक कर देना है, तो आपकी प्रोफाइल सीधी कंपनी में पहुंच जाएगी।
जब भी कंपनी को लगेगा कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली वो आपसे जरूर संपर्क करेंगे। तो ये था जी एक तरीका किस तरह से हमने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है बिना किसी कंसल्टेंट के। जब भी कंपनी को लगेगा आप उनको सूटेबल हो तो वो आपको जरूर बुलाएंगे। जब भी कंपनी को लगेगा उनके पास वैकेंसी है और वैकेंसी के लिए ये बंदा हमारे पास पड़ा है तो वो आपको जरूर बुलाएंगे। आपकी टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकती है, आपको फिजिकली भी बुलाया जा सकता है, स्काइप पर भी इंटरव्यू हो सकती है, फेस टू फेस भी हो सकती है। इसके लिए प्रॉपर तैयार रहा करो। इंटरव्यू कैसे देनी है उसके लिए मेरे दूसरे वीडियोस भी बन रखे हैं, इंटरव्यूज कैसे देनी है, कैसे क्लियर करने हैं, वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको अपनी मनचाही जॉब मिल सके। All the best.